नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम सवानी और आज हमारे पेप्टिक टाइम न्यूज चैनल के स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं एक खास मेहमान। जैसे कि आपको बता दें कि इनके लिए अगर परिचय की बात की जाए तो शायद मेरा इतना परिचय करवाना संभव नहीं होगा, क्योंकि महज 6 वर्ष की आयु में ही इतने आगे तक उन्नति के लिए अग्रसर हैं। और सभी की अगर जुबानों में कहा जाए तो शायद माही सोनी का नाम सबसे पहले निकल कर आता है। जी हाँ, हमारी खास मुलाकात के स्टूडियो पर आज मौजूद है माही सोनी। माही सोनी, आपका हमारे स्टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको जैसे कि बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा में एक स्वीप आइकॉन के नाम से जाना जाता है, तो आखिर ये शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले जब वहाँ पे गई थी ना आइकॉन के पहले, मैंने सबसे बोला कि आप सभी लोग वोट जरूर करिए। जो वहाँ के सर थे ना, तो उनसे भी बोला, मैं उनसे डरी नहीं कुछ भी बोलने में। तो मैंने सर से बोला कि नमस्ते, मैं हूँ माही सोनी, मैं डांस कर सकती हूँ, एक्टिंग कर सकती हूँ, आपको हंसा सकती हूँ, एक्टिंग करके आपको रुला सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर एक काम नहीं कर सकती, वो है मतदान। वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो 18 साल के हो चुके हैं। वोट डालें, जागरूक बने। धन्यवाद। जैसा कि माही सोनी, आपको बता दें कि सबसे पहले आपकी शुरुआत शायद नृत्य से शुरू हुई थी, आखिरकार शुरुआती तौर से कैसा आपका सफर ये चला? मेरा सफर बहुत अच्छा गया। सबसे पहले मैं सुपर आंसर सीजन में आई थी, उसमें टॉप 8 तक गई थी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कलाकार में आई थी, उसमें फाइनल तक गई थी। अभी आपको तो पता ही है कि परमुखता श्री कृष्ण में राधा का रोल कर रही हूँ मैं। एनडीटीवी में लगातार राधा के रूप में जिस तरह से आपका चाहने वालों के लिए अगर देखा जाए तो हर जगह से पूरे देश भर में माही सोनी की ही गूंज है, तो आगे की क्या अभी तुम्हारी तैयारियां हैं कि किस तरह से आगे और विकास के लिए आगे जाना है? मैं अभी और आगे क्या इच्छा है करने की? मेरा तो डांस करने का मन है। और अपने छतरपुर के लोगों के लिए क्या स्पेशल कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे स्पेशल तो ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग वोट जरूर करें। सबसे पहले शुरुआती तौर पर देखा गया था कि जब आप एक विनर के टॉप 3 में थी, और उसके बाद जैसे ही आपका विकास नाम पर आया कि माही सोनी कोई बुंदेलखंड से एक लड़की आई हुई है, उसके बाद क्या रुझान देखा पूरे देश भर में? आप हर जगह जाती हैं, आखिरकार कैसा लोगों से एक रिएक्शन मिलता है, क्या फेस करते हैं? अगर मैं नए लोगों से मिलती हूँ, अगर स्टारों से मिलती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आगे की क्या तैयारियां हैं? जैसे स्वीप आइकॉन आप हो ही गई हैं, पूरे प्रदेश भर में माही सोनी की सेल्फी। अच्छा, ये सेल्फी का क्या माजरा है जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ हटके कुछ कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, उसमें सेल्फी की क्या विशेषता है? सेल्फी की विशेषता मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि आप सब लोग जरूर करें। तो सेल्फी से क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं कि लोग आए और सेल्फी लेकर मतदाताओं को जागरूक करने का कुछ? फर्स्ट टाइम लोगों से नहीं मिली थी ना, उन लोगों ने पोस्टर लगा दिया था कि उनको कि वो फोटो खींच के फेसबुक पे डाले, तो लोगों को जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको ऐसा लगे कि रियल माही है। डांस के साथ साथ किस चीजों में और खास रुचियां आप रखती हैं? डांस के साथ साथ एक्टिंग भी। कुछ एकाद कुछ डायलॉग हो या कुछ आप हमारे स्टूडियो पर दिखा सकती हूँ तो पेश करिए। दिखा सकती हूँ। एक कुछ चल जाए फिर। ठीक है। हम राजा हैं, हमारे बाबा के पास 1 लाख गैया हैं, जब हम बोलते हैं तो सब हमारी सुनते हैं, और हम किसी की नहीं सुनते क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। तो जी हाँ दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो पर इस खास मुलाकात के रूप में माही सोनी थी, जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा में जिस तरह से स्वीप आइकॉन बनाया गया है, जिसमें एक सेल्फी के रूप में और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अहम भूमिका के तौर पर माही सोनी उभर कर निकल कर आई है। माही, इस पूरी अगर जनरेशन की बात की जाए, आपको फर्स्ट स्टेज से यहाँ तक मुकाम पर लाने के लिए किन किन लोगों का सहयोग साथ में रहा? माननीय छतरपुर कलेक्टर श्री रमेश भंडारी जी को, और अंकल को भी जो अभी मेरे साथ आए हैं उनको भी, और मेरे पापा को भी, क्योंकि आज तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो अंकल की मेहनत से और सर की मेहनत से और पापा की मेहनत से। माही सोनी, नाम जानना चाहता हूँ, किस अंकल की बात हो रही है? जी हाँ, चुलबुली है, इतना चलता है, बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ अपने मोह माया के साथ ही इसने रहता है, जो व्यक्ति उनके साथ अच्छे से बोल देता है,
शायद उनके लिए अंकल ही पर्याप्त होते हैं, लेकिन ये हम और आप सभी जानते हैं कि माही को इतने आगे तक ले जाने का श्रेय किसको है। जैसा कि आपको बता दें, राधेश्याम सोनी जी छतरपुर से हैं, जो आगे जाकर के माही को सबसे प्रायिकता दी गई है, और जिसके बाद जिला कलेक्टर रमेश भंडारी के द्वारा आयोग में भी बातें और चर्चाएं की गई हैं, जिसके बाद अब जान जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को एक जागरूक की पहल भी माही सोनी ने ले रखी है। क्या कुछ सौगात और कसमें खिलाई गई हैं कि मतदाता कैसे करना चाहिए, मतदान क्या जरूरी प्रक्रियाएं हैं? मैंने सबसे बोला है कि आप सभी लोग मतदान जरूर करें, और एक जो स्क्रिप्ट सुनाई है वो भी, और एक और बोला है कि मैं हूँ अपने ग्वाली की राधा, एक बात आपको बतलाऊं, वोट करने जल्दी जाऊं, वोट करना ना भूले इस बार, जनजन की यही पुकार, जनजन की यही पुकार। आप साइकिल से जाओ या रिक्शे से जाओ, कार से जाओ या स्कूटर से जाओ, कुछ न मिले तो पैदल जाओ, सुबह सवेरे वोट दिया, वोटर आईडी संग ले जाओ, वोट डालकर घर आ जाओ, सभी से बोलो वोट डालो, वोट डालो। तो माही, जिस तरह से आप हर जगह प्रदेश भर में जा रही हैं और निर्वाचन आयोग के तहत में मतदाताओं को जागरूक के लिए कोई शपथ दिलवा रही हैं, क्या खास ऐसी शपथ है? मैं सबको भी दिलवाऊंगी, और अभी कैमरे से सबको दिखाई दे, पर आपको बस नहीं दिलवाई, दिलवा देती हूँ। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ करते हैं कि हम निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा किसी भी फैलोवन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। हम सभी को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करना उतना ही आवश्यक है जितना हमारी जिंदगी के लिए पानी। जी हाँ, ये खास कुछ शब्द ऐसे निकल कर आए हैं। जीवन के लिए जिस तरह से पानी जरूरी है, वैसे ही लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोकतंत्र का एक मजबूती से पेश होना जरूरी है, जो कि आम नागरिक के द्वारा मतदान के द्वारा करने पर ही लोग अपील को कर सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे आज माही सोनी। अब आगे खास मुलाकातों में कुछ नए चेहरों के साथ हम फिर करेंगे कुछ खास मुलाकात। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।